तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये मिरर मोज़ेक आर्ट, जिसमें मैंने पीकॉक और ये खूबसूरत से बर्ड्स वॉल हैंगिंग को बनाया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजना'स आर्ट स्टूडियो। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड लिया है और उस पे जो भी मुझे पीकॉक की शेप चाहिए उसे ड्रॉ करके कट कर लिया है। तो मेरे पास बड़ा कार्डबोर्ड अवेलेबल नहीं था, तो कुछ इस तरह से मैंने पार्ट्स में कट करके और इसे इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए मिरर्स, कुछ अलग अलग शेप्स और साइजेस में मैंने मिरर्स लिए हैं। जो भी पीकॉक की शेप या डिज़ाइन होती है उसे अच्छे से ड्रॉ कर लेना है और अलग अलग शेप्स के मिरर स्टिक करके एक पैटर्न में हमें इसे स्टिक करना है। तो आप देखिए किस तरह से मैं सारे मिरर्स को स्टिक करती हूँ। तो मिरर्स से स्टिक किया हुआ ये बेस अभी रेडी हो गया है। इसके बाद लेना है वॉल पुट्टी, ग्लू और पानी। वॉल पुट्टी में ग्लू और पानी को मिक्स करना है और हमें ये थोड़ा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ये पेस्ट रेडी करना है। उसी हिसाब से आप ग्लू और पानी मिक्स कीजिए और उसी में हम ऐड करेंगे कलर, मतलब जो भी कलर्स हमें चाहिए हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से पहले मैंने ये ग्रे मेटालिक कलर को इसमें लिया है और ये पेस्ट रेडी किया है और इस तरह से हाथों से ही हमें इसके ऊपर ये पेस्ट को अप्लाई करना है धीरे धीरे से इस तरह से। तो सारे पेस्ट को हमें अच्छे से अप्लाई करना है और जो भी एक्स्ट्रा पेस्ट है उसे आप इस तरह से निकाल लीजिए। इसके लिए आप कोई भी कार्डबोर्ड का टुकड़ा या स्पून ले सकते हैं और इसी प्रोसीजर से हम अभी आगे का वर्क भी करेंगे। आप धीरे धीरे पेस्ट को इस तरह से अप्लाई कीजिए और एक्स्ट्रा पेस्ट को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग कलर्स से ये पेस्ट को बनाए। आप चाहे तो एक कलर भी ले सकते हैं और इस तरह से अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से भी इसे ले सकते हैं। तो सारा पेस्ट अप्लाई होने के बाद हमें इसे ड्राई होने के लिए रखना है और जब ये 50% ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद एक वेट कपड़ा यानी कि गीला कपड़ा लेके मिरर्स को हमें अच्छे से क्लीन करना है, मतलब मिरर के ऊपर जो भी पेस्ट लगा है गीले कपड़े से उसे पहले निकाल देना है और उसके बाद और ड्राई होने के लिए रख देना है, मतलब पूरा ड्राई होने के लिए रख देना है और उसके बाद एक कपड़ा लेके हमें सारे मिरर्स को अच्छे से क्लीन करके इसकी शाइन जो है वो वापस लानी है। बस अब हम करेंगे आगे का वर्क और इसे कंप्लीट। तो इसके बाद कुछ इस तरह से ये पत्तियों के शेप में मैंने ये कार्डबोर्ड के कटआउट्स लिए हैं इस तरह से और इसके ऊपर भी हम मिरर्स को स्टिक करेंगे इस शेप में और सेम जो मोज़ेक आर्ट की टेक्निक है उसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी कि मैंने सिमिलरली यहाँ पे एक वॉल पुट्टी का पेस्ट लिया है और सारी पत्तियों के ऊपर इस तरह से हमें अप्लाई करना है अच्छे से और अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो इसके बाद लेने हैं, बनाने हैं ये इस तरह से न्यूज़पेपर के रोल्स। तो इस तरह से ये रोल्स हमें बनाने हैं। एंड के जो एजेस है उसे कट कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वायर या ये इस तरह से तार को लिया है और ये न्यूज़पेपर के रोल के अंदर इसे डाल के हमें एजेस को सील करना है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे ये रोल्स को बनाया है। तो ये सारे रोल्स को मैंने मेटालिक कलर से इस तरह से पेंट किया है और
इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब हम इस तरह से बेंड करके जो भी पिकॉक का ये बेस साइड या बॉटम साइड है उससे इस तरह से स्टिक करेंगे इस पैटर्न में। तो तार हमने इसीलिए डाली थी ताकि ये अच्छे से बेंड पोजीशन में रहे। डायरेक्टली न्यूज़पेपर रोल्स लेते तो इस पोजीशन में नहीं रहता। एंड में जो हमने पत्तियाँ बनाई थी उसे मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया है और बैक में कुछ इस तरह से हुक्स लगा के हम हैंग करने के लिए इसे रेडी कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा मिरर मोज़ेक पिकॉक वॉल हैंगिंग रेडी हो गया है जो कि सिर्फ कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर से बनाया है, अब देख सकते हैं। तो ये रहा इसका ये फाइनल लुक। आई होप आपको ये वॉल हैंगिंग पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारी अगली आर्ट वर्क की तरफ जिसके लिए सिमिलरली मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है। उसके ऊपर जो भी मुझे बर्ड्स की शेप चाहिए उसे अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैं सारे जो बर्ड्स मुझे चाहिए यानी कि 5 बर्ड्स टोटल मैंने बनाए हैं। अब हम करेंगे इसे कट और ये रेडी हो गए हैं। कुछ पत्तियाँ भी ली है मैंने और एक डाली भी ली है जिसके ऊपर हम ये बर्ड्स को स्टिक करेंगे। तो ये अब जो मैं हमने बर्ड्स को कट किए हैं इसके ऊपर हमें मिरर्स को स्टिक करना है। तो मिरर्स मैंने कुछ अलग अलग शेप्स में लेके ये बर्ड्स की जो शेप है उसके ऊपर इसे स्टिक किया है इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें सारे बर्ड्स और पत्तियों के ऊपर ये मिरर्स को स्टिक करना है। और आगे हम करेंगे मोज़ेक आर्ट। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक वॉल पुट्टी का पेस्ट लिया है जो कि मैंने पहले आर्टवर्क में आपको बताया है कि किस तरह से पेस्ट को बनाना है और कलर मिक्स करके हम इसे रेडी करेंगे। तो हाथ से ही डायरेक्टली हमें ये पेस्ट को इसके ऊपर अप्लाई करना है, अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा पेस्ट है उसे निकालना है। तो इसी टेक्निक से अब भी ये मोज़ेक आर्ट को बनाएंगे। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा पेस्ट मिरर के ऊपर है हम उसे तुरंत ही निकाल देंगे और इसके बाद हम इसे रखेंगे ड्राई होने के लिए रूम टेम्परेचर पर ही। और जो भी हमने इस तरह से ये डाली या ब्रांच को बनाया है उसे उसके ऊपर मैं ये वॉल पुट्टी का पेस्ट अप्लाई कर रही हूँ और बस थोड़े से और पैटर्न्स इसमें इस तरह से बनाने हैं। और इसे भी हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं। उसके ड्राई होने तक ये बर्ड्स हम तो ये 50% जब ड्राई हो जाता है तभी एक वेट कपड़ा लेके सारे मिरर्स को हमें क्लीन करना है और बाद में हमें ड्राई क्लॉथ लेके मिरर्स को अच्छे से क्लीन करना है ताकि उसकी शाइन वापस आ जाए। आप देख सकते हैं सारे बर्ड्स और जो पत्तियाँ हमने बनाई है वो रेडी हो गई हैं। बस थोड़ा सा अब रेडी आउटलाइनर से हम थोड़ा इसे अच्छे से और हाईलाइट करेंगे। तो ये सारे जो डाली पत्ती और बर्ड सारे रेडी हो गए हैं और बस थोड़ा सा इसके ऊपर भी हाईलाइट करना है इस तरह से। अब हम ये सारे बर्ड्स और पत्तियों को इसके ऊपर स्टिक करेंगे। तो अच्छे से हमें ये स्टिक करने हैं इसके ऊपर। बस मैं आपको पहले फॉर्मेट दिखा दूँ मतलब कहाँ क्या प्लेस करना है और इस तरह से सारे पत्तियों को भी हम इसके ऊपर इस तरह से प्लेस करते हैं और वहीं पे हमें सारी ये चीज़ों को स्टिक करना है। तो इस तरह से ये मोज़ेक आर्ट बर्ड्स वॉल हैंगिंग भी रेडी हो गया है और ये रहा इसका ये फाइनल लुक। मैं तो अपने बालकनी गार्डन को सजाऊंगी इससे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।